हे गाइस, वेलकम टू माय रेसलिंग चैनल। तो गाइस, बहुत बड़े एलिगेशन लगे हैं ब्रॉक लेसनर पे, मैं उस पर ही बात करने वाला हूँ एंड पूरी डिटेल में बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता है विंस मैकमैन पे चार्जेस लगे थे जिसके कारण उन्हें अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी थी, मतलब टॉप CEO पे जो बैठे हुए थे उस चीज़ से रिलीज होना पड़ा था। एंड TKO के अंडर WWE बिक गई थी एंड मर्जर हो गया था, आपको पता ही होगा विंस मैकमैन की हरकतों के कारण ये चीज़ हुई थी। एंड बहुत से उन्होंने पंगे लिए थे, बहुत से उन्होंने चीज़ें की थी अपने जवानी में जिसके कारण उनके साथ ये चीज़ हुई। एंड रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ कंफर्म हो चुकी थी कि वो अब निकल चुके हैं। एंड गाइस, राइट नाउ TKO के अंडर WWE है। तो गाइस, ये चीज़ हुई थी विंस मैकमैन के कारण। लेकिन गाइस, अब रिपोर्ट आ रही है कि विंस मैकमैन ने कुछ ऐसी चीज़ें की जिसके कारण ब्रॉक लेसनर में फंस सकते हैं। तो गाइस, बात ये मानी जा रही है कि विंस मैकमैन एक फॉर्मर बिग स्टार जो UFC एंड WWE में कम्पीट कर चुका था, उसे रीसाइन करने के लिए वापस एक अपने फीमेल रेसलर को कहा था कि तुम मुझे अपनी वीडियो बना के भेजो, मैं उस सुपरस्टार को वो वीडियो बना के भेजूंगा, देन अगर वो सुपरस्टार मानता है तो उसे मैं वापस लाऊंगा अपनी कंपनी में। अपनी कंपनी के लिए वो बेस्ट स्टार है, बिग एसेट है, वो सुपरस्टार उनकी कंपनी का बिग एसेट बन सकता है क्योंकि वो सुपरस्टार WWE का फॉर्मर स्टार रह चुका है एंड UFC में बिग स्टार रह चुका है एंड UFC का टॉप कॉम्पैक्ट फाइटर रह चुका है। एंड गाइस, ये चीज़ हुई थी, विंस मैकमैन ने ये चीज़ कही थी जिसके कारण अब ब्रॉक लेसनर फंस सकते हैं क्योंकि ब्रॉक लेसनर फॉर्मर WWE स्टार भी है एंड उन्होंने UFC में भी कम्पीट किया हुआ है एंड UFC में उन्होंने झंडे गाड़े हुए हैं। तो गाइस, आपको पता ही होगा ये चीज़ बॉस। तो गाइस, ये चीज़ ज़्यादा बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है या स्पेकुलेट की जा रही है कि वो फॉर्मर स्टार कोई और नहीं ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक फॉर्मर स्टार रह चुके हैं UFC एंड WWE दोनों में एंड 2021 में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर भी हुआ था। तो ये चीज़ ब्रॉक लेसनर के साथ। तो गाइस, कई सोच रहे हैं कि मैट रिडल भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं गाइस, मैट रिडल नहीं है क्योंकि वो पहले UFC में थे, उसके बाद WWE में आए हैं। एंड गाइस, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हुआ, उन्हें बाहर निकाला गया क्योंकि उनकी हरकतों के कारण। लेकिन गाइस, जो ब्रॉक लेसनर की ये सिचुएशन है, क्या गाइस उनका करियर डाउन हो सकता है, क्या उनका करियर लॉस में जा सकता है अगर वो प्रूफ हो जाते हैं कि वो विंस मैकमैन के साथ मिले हुए थे। अभी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है कि ये चीज़ सच है कि ब्रॉक लेसनर ही थे या कोई और था, लेकिन गाइस, फॉर्मर WWE स्टार एंड फॉर्मर UFC स्टार तो वो ब्रॉक लेसनर ही है जिन्होंने UFC एंड WWE दोनों में कम्पीट किया है। गाइस, क्रोस की बात आ रही है तो इसे इग्नोर करना। तो ये गाइस बहुत बड़ी अपडेट आई है, बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि हम इस मैकमैन ब्रॉक लेसनर का भी करियर डुबो देंगे पानी में। तो देखो गाइस क्या होता है। बाकी यार ये अपडेट थी ब्रॉक लेसनर से। अब ब्रॉक लेसनर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, पता नहीं। फॉर्मर स्टार कौन है WWE UFC में फाइट करने वाला। तो गाइस, अगर अपडेट अच्छी लगी हो, न्यूज़ अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना।